हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिटेल सॉल्यूशन फ्रॉम एमएससी पीएचडी मॉलिक्यूलर मेडिसिन फ्रॉम 2016 ईयर का क्वेश्चन पेपर है फ्रॉम जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मैं ये वीडियो आज फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग पार्ट बी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं बायोलॉजिकल साइंस के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन है, पार्ट बी ये है, इसमें एनी 40 क्वेश्चन करना है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हैज मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला प्रोटीन जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उसका नाम है कोलाजेन। ये कार्टिलेजनस बोन्स में होते हैं जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, म्यूटेशन दैट कॉज कंप्लीट लॉस ऑफ जीन फंक्शन इज कॉल्ड। तो जीन फंक्शन लॉस हो जाने की वजह से वो प्रोटीन नहीं बनेगा, और वो प्रोटीन नहीं बनेगा तो कोई स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजी पे इफेक्ट होगा, उसको बोलते हैं एमॉर्फिक कंडीशन, ए ऑप्शन। द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ टर्मरिक दैट ऑफर हेल्थ बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट होता है टर्मरिक में बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कर्क्यूमिन व्हिच इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इसकी वजह से इम्यून हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। नेक्स्ट, द ड्यूरेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल साइकिल फेज वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप, विच फेज इज लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट फॉर द टिपिकल रैपिडली पॉलीफ्रेटिंग ह्यूमन सेल्स। तो हम लोग को मालूम है सेल साइकिल में पहला फेज होता है जिसको हम लोग एम फेज बोलते हैं, दूसरा इंटरफेज, और इंटरफेज फिर से डिवाइड होता है G1, S और G2 में। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखे सिक्वेंशियल ऑर्डर में, तो G1 के बाद में S आएगा, फिर G2 आएगा और M फेज आएंगे। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट होता है टाइम टेकिंग प्रोसेस G1, और सबसे शॉर्ट होता है M। तो G1 इज शॉर्ट लॉन्गेस्ट एंड M इज शॉर्टेस्ट, आंसर विल बी D। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियोलिपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियोलिपिन इज ए फॉस्फोलिपिड फाउंड इन द एनिमल, प्लांट एंड बैक्टीरिया, वेयर इट इज लोकेटेड प्राइमरली इन द एनिमल सेल। तो फॉस्फोलिपिड जैसा नाम बता रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन में होगा, लेकिन ये प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। आंसर विल बी बी। द मैकेनिज्म ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व। तो आरएनए इंटरफेरेंस से हम लोग जीन को साइलेंस करते हैं उसके एमआरएनए के लेवल पर, जहां पर एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनता। तो एमआरएनए जनरली सिंगल स्टैंड होता है, और अगर यहाँ पर ये डबल स्टैंड हो जाए आरएनआई के यूज से, तो कॉम्प्लीमेंट सिंथेसाइज करके, ये 5' to 3' है, ये 3' to 5', तो ये डबल स्टैंडर्ड जो एमआरएनए बन गया, इसके वजह से यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए चाहिए, डबल स्टैंडर्ड है तो यहाँ पर प्रोटीन राइबोसोम बाइंड नहीं करेगा। तो आंसर होगा इसका डबल स्टैंडर्ड आरएनए इंटरफेरिंग विद एमआरएनए, आंसर विल बी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑफ यूकैरियोटिक ओरिजिन एग्जिबिट टू डिस्टिंक्ट डोमेन दैट इंक्लूड्स। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के कुछ एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, लाइक टाटा बाइंडिंग प्रोटीन TBP, या फिर यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A 2B, लाइक दिस। तो ये एक तो DNA पर बाइंड करेंगे, तो इनके पास DNA बाइंडिंग डोमेन होना चाहिए, और दूसरा ये डिस्टेंस पे लोकेटेड लूप होकर एक डिस्टेंस पे प्रोटीन होते हैं जिसको इनहेंसर बोलते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड किया हुआ है और यहाँ पर इनहेंसर, तो ये दोनों कॉन्टेक्ट करते हैं आपस में। तो आंसर होगा DNA बाइंडिंग डोमेन एंड इनहेंसर डोमेन, इनके पास दो बाइंडिंग पॉकेट होते हैं, तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्यूब इन प्लेसेंटल मैमल दैट कैरीज बोथ सीमन एंड द यूरिन आउट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये तो यूरेथ्रा होगा, यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर पासिंग आउट सीमन एंड यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लोरिंग हार्मोन, इसको फ्लोरिजन बोलते हैं, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस फ्रॉम मदर टू फीटस। तो एजिडोथायमिडीन ये जो यूज करते हैं, AGT, ये क्या है, एनालॉग ऑफ थायमिडीन। तो थायमिन के जगह पे ये आ जाएगा और ये क्या करेगा, DNA रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर देगा, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीवायरल रेल्टेग्रेविर इज यूनिक बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। तो ये इंटीग्रेज एंजाइम का इनहिबिटर है, इसकी वजह से ये DNA इंटीग्रेट नहीं कर पाता ह्यूमन के होस्ट में, आंसर होगा ए। कोडोन रिप्रेजेंटिंग सेम अमीनो एसिड ऑफन डिफर इन थर्ड पोजिशन, थर्ड बेस, जिसको हम लोग वोवल पोजिशन भी बोलते हैं, वोवल पोजिशन, तो आंसर होगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड इन्वॉल्व सेवन राउंड ऑफ ऑक्सीडेशन, द नंबर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड विल बी। तो पाल्मिटिक एसिड C16O, यानी सेचुरेटेड फैटी एसिड है 16 नंबर कार्बन का, और अगर ये बीटा ऑक्सीडेशन जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो ये 7 राउंड चलेगा बीटा ऑक्सीडेशन, और हर एक राउंड में कितने होंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, सॉरी एसिड, यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए रिलीज होगा। तो टोटल 7 राउंड है, तो 7 राउंड, 7 एसिटाइल कोएंजाइम होगा लेकिन लास्ट में 2 रिलीज होता है, तो टोटल 8 यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम ए रिलीज होंगे। एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन का है तो 8 × 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एंजाइम, एंजाइम दे डू नॉट अल्टर द ओवरऑल चेंज इन द फ्री एनर्जी ऑफ फॉर रिएक्शन, ट्रू है क्योंकि डेल्टा जी चेंज नहीं होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता। दे आर द प्रोटीन उस थ्री डायमेंशन फॉर्म में की ऑफ देयर फंक्शन, यस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर यूनिक होता है ताकि यूनिक सब्सट्रेट वहां बाइंड कर सके। दे स्पीड ऑफ द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, यस एक्टिवेशन एनर्जी लो होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीसी साइकिल इज ऑफन कॉल्ड सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे, क्योंकि सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे अपना जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रिलीज करता है वो कंप्लीटली कन्वर्ट किया जाता है एटीपी, एनएडीएच और एफएडीएच में थ्रू टीसी साइकिल। तो आंसर होगा ऑल अदर मेटाबॉलिक पाथवे डिपेंड अपॉन इट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेनाइलकेटोन्यूरिया पेशेंट हु इज कंज्यूम्ड फूड कंटेनिंग हाई फेनाइल एलानिन व्हिच विल एक्युमुलेट, तो फेनाइल एलानिन नॉर्मली हमारे बॉडी में जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनाता है, टायरोसिन, और इसके लिए एक एंजाइम चाहिए जिसको बोलते हैं फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज। तो फेनाइल केटोन्यूरिया केस में, पीकेयू में, इस डिजीज में ये पीकेएच एंजाइम नॉन फंक्शनल होता है, जिसकी वजह से अब क्या होगा, पीए फेनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो इसका लोकल कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी में इंक्रीज करेगा, तो ये होगा फेनाइल एलानिन का एक्युमुलेशन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन द प्लांट टेक प्लेस, रेस्पिरेशन प्लांट में थ्रू आउट डे और नाइट सब टाइम पे होता है, जहां पर क्लोरोफिल नहीं होंगे वहां पर क्या होगा, रेस्पिरेशन, तो आंसर विल बी डी, लेकिन फोटोसिंथेसिस हमेशा डे टाइम पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार्क पार्टिकल ऑन द क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कोल्ड, यहाँ पर जो क्रिस्टे होते हैं इनर मेम्ब्रेन में वहां पर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम है क्या, F0F1 पार्टिकल, और इसी का दूसरा नाम क्या है, एटीपी सिंथेस, तो आंसर विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेगोसाइटिक फेनोमेनन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, एली मैचनिकॉफ, आंसर विल बी सी ऑप्शन। ए बार ऑफ सोप मे बी मैन्युफैक्चर्ड बाय, ऑल दिस प्रोसेस आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द सोप, वेयर लिपिड आर ट्रीटेड विद फैट और ऑयल, व्हिच इज फॉर्म ऑफ लिपिड आर ट्रीटेड विद NaOH, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉनिफिकेशन या अल्कली, तो आंसर ए बी सी ऑल आर करेक्ट, सो आंसर विल बी डी ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैकल्टेटिव एनएरोब, तो फैकल्टेटिव एनएरोब वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बेसिकली एरोबिक होते हैं, ये प्रेफर करेंगे एरोबिक कंडीशन, लेकिन अगर एनएरोबिक कंडीशन में रख दिया जाए तो ये ग्रो कर सकते हैं या सर्वाइव कर सकते हैं, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव एरोब, एनएरोब, फैकल्टेटिव एनएरोब का मतलब है विच आर एरोब बट कैन ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एड्स एचआईवी इन्फेक्ट CD4 लिम्फोसाइट, ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर बी। 56, व्हेन द बैक्टीरियल सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर ट्रीटेड विद द साइनाइड एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड व्हाट विल हैपन, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इनहिबिटर है कॉम्प्लेक्स नंबर 4, जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज का इनहिबिटर है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये रेस्पिरेशन को ब्लॉक करेंगे, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर बैक्टीरियम टू रेसिपिएंट बैक्टीरियम बाय सेल सेल कॉन्टैक्ट इज टर्म्ड एस, इसका डायरेक्ट आंसर है कंजुगेशन, बी ऑप्शन, क्योंकि बैक्टीरिया में एफ प्लस और एफ माइनस स्ट्रेन आपस में ये ट्रांसफर कर सकते हैं, एफ माइनस विल कन्वर्टेड इनटू एफ प्लस बाय लैटरल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एफ प्लस फैक्टर फ्रॉम एफ प्लस टू एफ माइनस, आंसर विल बी। 58,
द एमएससी क्लास वन इज अ सेल सरफेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लियेटेड सेल्स। एमएससी क्लास वन सारे न्यूक्लियेटेड सेल्स में होते हैं, बी टी और एपी सेल्स और इवन डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इसमें प्रेजेंट होता है एमएससी क्लास टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जैसा नाम बता रहा है, मोनो का मतलब होता है सिंगल और क्लोनल का मतलब होता है मल्टीपल कॉपी, यानी सिंगल टाइप के मल्टीपल कॉपी ऑफ एंटीबॉडी सिंथेसाइज किया जाएगा फ्रॉम सिंगल प्लाज्मा सेल। तो यहाँ पर होगा आंसर होमोजेनियस एंटीबॉडी प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्यूमर सप्रेसर जीन, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन यहाँ पर P38 ट्यूमर सप्रेसर जीन है, RB रेटिनोब्लास्टोमा इज ट्यूमर सप्रेसर जीन एंड इवन BRCA इज ट्यूमर सप्रेसर जीन। KRAS इज नॉट ट्यूमर सप्रेसर जीन, इट इज प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन, तो अगर प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो गया, ये नॉर्मली हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें म्यूटेशन हो गया तो ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल साइकिल फास्ट होता है, नॉर्मल सेल कैंसर में कन्वर्ट कर जाते हैं, तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन नहीं है, तो आंसर विल बी डी ऑप्शन। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतने ही तक, नेक्स्ट सेशन में हम लोग 61 से शुरू करेंगे सॉल्यूशन इसका। होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके किसी भी लाइफ साइंसेस एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिलेटेड। अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।